विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। कुछ भी हो डरना नहीं। वो पीछे के रास्ते से क्यों आ रहे हैं? तो दोस्तों सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 को बॉक्स ऑफिस पर आज कंप्लीट हो चुके हैं 12 दिन और फिल्म ने 12 दिनों में काफी शानदार कमाई कर ली, मतलब कि उम्मीद से कहीं ज्यादा कलेक्शन फिल्म के हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दृश्यम 2 के बजट और 12 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने अब तक हिंदुस्तान से कितनी कमाई की और दुनिया भर से कलेक्शन कितने करोड़ रुपए का हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि दृश्यम 2 फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर। तो इस साल जितने भी फिल्में रिलीज हुई बॉलीवुड की तरफ से वो कोई खास बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। अगर कोई फिल्म चली भी तो एक दो दिन तक फिल्म के कलेक्शन अच्छे आए, उसके बाद तीसरे चौथे दिन से फिल्मों के कलेक्शन काफी ज्यादा डाउन हो चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ दृश्यम 2 है जिसे बॉक्स ऑफिस पर अब 12वां दिन हो चुका है लेकिन फिर भी फिल्म के जो कलेक्शन है वो कम नहीं हो रहे और ऐसे ही अगर फिल्म चलती रही तो आने वाले दिनों में फिल्म का टोटल कलेक्शन 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। हालांकि बात करें दृश्यम 2 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी दृश्यम 2 जिस फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू, अक्षय खन्ना, श्रेया सरन और इशिता दत्ता नजर आ रहे हैं। बताना चाहूंगा दोस्तों दृश्यम 2 का बजट है सिर्फ 50 करोड़ रुपए और फिल्म को पहले हफ्ते में 4000 स्क्रीन पे दुनिया भर के अंदर रिलीज किया था लेकिन दूसरे हफ्ते में फिल्म की स्क्रीन सिर्फ 3000 से भी कम रह गई। लेकिन कम स्क्रीन होने के बावजूद भी फिल्म के कलेक्शन दूसरे हफ्ते में पूरी तरह से कमाल के रहे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दृश्यम 2 ने पहले हफ्ते में इंडिया से नेट कलेक्शन 104 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का किया था। वही दूसरे हफ्ते में कदम रखते ही फिल्म ने अपने 8वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 7,87,00,000 रुपए का किया, तो 9वें दिन 14,05,00,000 रुपए, वही 10वें दिन 17,20,00,000 रुपए, तो 11वें दिन 6,50,00,000 रुपए। वही बात करें 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों दृश्यम 2 को 12वें दिन मॉर्निंग वाले शोज में कल के मुकाबले 5 से 7% की ऑक्यूपेंसी कम देखने को मिली है। यानी कि दोस्तों दृश्यम 2 अपने 12वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 5,80,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों दृश्यम 2 का शुरुआती 12 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 156,20,00,000 रुपए का हो रहा है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 186 करोड़ रुपए। बात की जाए ओवरसीज कलेक्शन यानी कि विदेशी कमाई के बारे में तो दृश्यम 2 अभी तक ओवरसीज मार्केट से टोटल ग्रोस कलेक्शन कर चुकी है 38 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों दृश्यम 2 का 12 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन 224 करोड़ का हो चुका है। जी हां दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 225 करोड़ रुपए कमा चुकी है और आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ रुपए भी हो जाएगा। उसके बाद देखना है कि दृश्यम 2 300 करोड़ का आंकड़ा कब तक पार करती है। हालांकि दोस्तों आपको क्या लगता है दृश्यम 2 का जो फाइनल कलेक्शन है वो कितना रहेगा, 300 करोड़ या 350 करोड़ रुपए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दृश्यम 2 के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।